उर्दू हिस्टोरियंस में खुशामदीद। दोस्तों, ये हम सबका ईमान है कि हमने एक दिन मरना है और मरने के बाद कब्र में दफन होना है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कब्र में मुर्दे के साथ क्या मामलात होते हैं। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हजरत अबू सैयद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहो अलैहे वालैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसको मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वाला तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तू अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा उस मुर्दे के लिए खोल दिया जाता है, जहां से उसको जन्नत की ताजा हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों का बयान है कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वालैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए, मैं भी आप सल्लल्लाहो अलैहि वालैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहो अलैहि वालैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र बा आवाज़े बुलंद कहती है, ऐ आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकौड़ों का घर हूँ। मैं बहुत तंग हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहो अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कब्र, तू या तो जन्नत का एक चमन है या फिर आग का एक तंदूर। हजरत अबू हिजाज रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसको कहती है, ऐ इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं फितना, तारीकी, कीड़े मकौड़ों का घर हूँ और तू मेरी पीठ पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं कि ऐ कब्र, तू देख तो सही इसके आमाल कैसे हैं, ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहेगी, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाऊंगी। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है कि रसूल ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और उन लोगों के कदमों की चाप भी सुनता है जो उसके जनाजे के साथ कब्र तक गए। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने उनसे बचने की तैयारी नहीं की। बदामाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ देती है जिससे उसकी पसलियां और हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं, जबकि नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और उसकी दाई तरफ से एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे उसको जन्नत की हवा आती है। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा।